राम राम पहलवान जी। राम राम भैया। पहलवान जी, जैसे आपकी वीडियो बनाया मैं, आप तालीम के खलीफा हो, आपकी वीडियो बनाए बाद जो आप जो आपकी जो लैंग्वेज में आप समझाए पहलवानी के बारे में, लंगोट के बारे में, वो वीडियो के खातिर मेरे चैनल को बहुत अच्छी रेस्पॉन्स मिली। और पहलवानी के बारे में और मालूम करने के वजह से मैं आपको पूछा, तो आपकी ये तालीम को बुला के हमें वो रतन सिंह उस्ताद को बुलाए नाम बुला के वापस ये वीडियो को सपोर्ट करने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पहलवानी के लिए, पहलवानों का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं यूट्यूब में बता के, जिसको नए मालूम है उनको भी मालूम हो जा रहा पहलवानी के बारे में। पहलवान जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने पहलवानी बोले तो बहुत सारे जैसे मट्टी याद करते नहीं जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, पहलवाना लंगोट क्या को पहनते पहलवान जी? सुने पहलवान जी, ये लंगोट क्या है, ये पूरा मट्टी से संबंध है इसका, पहलवानी का और मट्टी का बहुत अच्छा बंधन है ये। और लंगोट की बात करें तो लंगोट हमारे बॉडी को सपोर्ट करता, हमारे को ग्रिप रहता। आजकल के बच्चे क्या है, वो सपोर्टर वगैरह पहन रहे हैं, वो ठीक नहीं है। लंगोट हमारा परंपरा है, ये पहलवानी की परंपरा है। आप जितने भी युग है, जैसा त्रेता युग है, द्वापर युग है, सतयुग है, कलयुग है, इसमें आप कहीं पर भी देखेंगे तो हर पहलवान बिना लंगोट के नहीं दिखेंगे, सब लंगोट पहनेंगे। ये लंगोट पहलवानी की निशानी है। पहलवान जी, मैं आपको और पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा आज के जनरेशन वाले जिमों को जा रहे हैं जी, जिमों में जाके मेहनत कर रहे हो, सपोर्टर पहन रहे, ये सपोर्टर से पहलवानी कर सकते क्या? नहीं 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 नहीं, पहलवानी को सपोर्टर को कोई भी लिंक नहीं है। पहलवानी के लिए लंगोट कंपलसरी होना है, लंगोट हमारी बॉडी को पकड़बंद रहता, ग्रिप रहता हमारी बॉडी को। सपोर्टर क्या है, लूज हो जाता, वो इलास्टिक रहता, इससे हम हमारी शक्ति के बराबर, जैसा हमारी शक्ति है जितना हमारे को टाइट होना है उतना टाइट हम बन सकते, लेकिन सपोर्टर को हम उतना नहीं कर सकते, उसका इलास्टिक रहता, वो प्लास्टिक पे लूज हो जाता, लेकिन वो सपोर्टर और ये पहलवानी को मैच नहीं होता, लंगोटी मैच होता। पहलवान जी, गैसो वीडियो में मैं बैठक के बारे में दिखाया था, पर हकीकत में बैठक में कितने तरीके के वेरिएशन से पहलवान? बैठक में तो 3-4 किस्म के है, हाँ। लेकिन आजकल बच्चों को बहुत कम मालूम है, फिर भी हमारे पास बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाए सो है। ये सपा, ये इसको खाली नॉर्मल बैठक बोलते हैं इसको, इसमें आता एक झूला बैठक, इसमें एक आता ये झूला बैठक है, इसके बाद है हनुमान बैठक, हनुमान बैठक में ये हनुमान बैठक है, ये हमारे बड़े लोग उस्ताद खलीफा अभी तक हमारे को जो सिखाए ये बैठक है। देखो, एक बताया था मैं, नॉर्मल बैठक एक है जिसमें हनुमान बैठक एक है, ये जैसा कि हमारे बैठक ज़्यादा मारने के बाद पट हमारे टाइट हो जाते हैं, इसलिए ये रेस्ट, मतलब इसको लंगड़ी बैठक भी बोलते हैं। ये भी एक किस्म का बैठक है, देखिए इसमें ज़्यादा पैर अगर भर गए, ज़्यादा टाइट हो गया तो लकड़ी का सपोर्ट लेके भी बैठक मारते, इससे भी हमारी बॉडी को अच्छा खासा फ़ायदा होता। पहलवान जी, जैसा जिमों में एक एक मज़ल के ऊपर मेहनत करते जी, तो उससे एक एक मज़ल का कटिंग के बाद से मेहनत करते हैं, तो ये बैठक मारे तो जो आप दी बोले सो वेरिएशंस में एक्सरसाइज आप करें तो लोअर कटिंग बनती क्या? 100% बनता है इससे। बैठक तो वो चीज़ है, ये पहलवानी का बहुत अहम हिस्सा है बैठक, ये फाउंडेशन, जैसा मकान बनाने के लिए हमारे को फाउंडेशन डालना पड़ता, जैसा फुटिंग डालना पड़ता, ये पहलवानी का एक फाउंडेशन है। ये बैठक मारने से या सपाट मारने से हमारे पट के ऊपर एक शेप आता, उसमें भी मसल्स आते हैं। अभी आजकल तो क्या है, हर एक मसल्स के लिए अलग अलग जिमों में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इसमें ऑल इन वन है। ये पहलवानी एक ऐसी चीज़ है ऑल इन वन, आप खाली सपाट बैठक मारो या खाली बैठक मारो या हनुमान बैठक मारो, ये हमारा फाउंडेशन है ये पहलवानी का। इसमें शेप भी आता, आपको जान भी आती, कमर में भी जान आती, और पहलवानी की शुरुआत ये है।